दोस्तों नमस्कार। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं और बिना तनाव के कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। इस संबंध में मेरा ऐसा कहना है कि दो यूट्यूब चैनल हैं, उनको मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा। एक है, पहले नंबर पे मुक्ता राव, आरएस टॉपर है। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और अभी अभी उस पर उन्होंने राजस्थान की स्कीम बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। राजस्थान जीके से संबंधित कुछ बातें बताई उन्होंने। इसके अलावा विज्ञान से संबंधित दो वीडियो वो डाल चुकी, बहुत अच्छे तरीके से समझाई। दोस्तों कुछ लोग होते हैं, है ना, जो पढ़ाई में जीते हैं, तो मुक्ता राव मुझे ऐसा ही एक व्यक्तित्व लगा। बहुत अच्छे तरीके से टू द पॉइंट वो अपने चैनल पे उन चीज़ों को समझा रही है। आप अपने तरीके से पढ़ाई करते रहिए, रोज जो है ना 1 घंटा उस चैनल के लिए, और एक और चैनल बताऊंगा उसके लिए दे सकते हैं। दूसरा चैनल मेरी दृष्टि से जहाँ राजस्थान करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी बात है, राजस्थान जीके की बहुत अच्छे तरीके से बात है, और अन अकेडमी पे है, कपिल चौधरी नाम है उनका, अन अकेडमी पे कपिल चौधरी है आप, और दोनों ही आरएस टॉपर है। मुक्ता राव आरएस टॉपर है, इनकी भी शायद 120-121वीं रैंक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे दोस्तों। तो इनको पढ़ने का फायदा क्या होगा? एक तो सफल कैंडिडेट है दोनों, तो दोनों को ही पता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। फालतू की छोटा मोटा बड़ा ऊंचा लंबा नीचा ये चीजें वो नहीं बताते, टू द पॉइंट सीधी बात करते हैं। इसलिए मुक्ता राव और कपिल चौधरी है उनका जो चैनल है वो आप जरूर देखिए। इसके अलावा मैं कहूंगा, जैसे भारत का भूगोल आपको देखना, तो एक चैनल है क्रेजी जीके, तो क्रेजी जीके पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। पहले वो क्या करता है, जैसे भारत का भौगोलिक विभाजन है तो पूरा भारत के भौगोलिक विभाजन को उन्होंने समझा रखा है, और उसके बाद में उससे संबंधित सारे के सारे जो MCQ क्वेश्चन है आपसे सॉल्व करवाते हैं। आप है ना देखते रहिए क्या उत्तर है, तो इससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। आप बिना तनाव के परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सवाल सही कर पाएंगे। तो मेरे कहने पे मुक्ता राव का चैनल और कपिल चौधरी का चैनल और क्रेजी जी के तीन जो चैनल है, इनमें से आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। शाम का जो भी समय है, घूमने का समय है, बाकी अपने तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छे चैनल है और बहुत बहुत बधाई।